नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। धोखाधड़ी कर नकली सोने की गिन्नी बेचकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का जनपद मिर्जापुर ने पर्दाफाश किया है, जिसमें से 5 साथी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से बिक्री में 75,000 रुपये नकद व 8 पीली धातु की गिन्नी तथा घटना कारित करने में प्रयुक्त मोबाइल व बोलेरो भी वाहन बरामद किए गए हैं। खबर विस्तार पूर्वक से। थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर पर दिनांक 2 फरवरी 2024 को वादी चंद्रशेखर सिंह पुत्र स्वर्गीय उदयनाथ सिंह निवासी कैलहट थाना चुनार जनपद मिर्जापुर, दिनांक 3 फरवरी 2024 को वादी शमशेर सिंह व बहादुर सिंह निवासी नियामतपुर खुर्द थाना चुनार जनपद मिर्जापुर द्वारा अज्ञात मोबाइल नंबर प्रयोगकर्ता के विरुद्ध नींव की खुदाई से प्राप्त सोने की गिन्नी बताकर नकली सोने की गिन्नी बेचकर क्रमशः 3,10,000 रुपये व 2,16,000 रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना विंध्याचल में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना आरंभ की गई। धोखाधड़ी की घटना को पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर को अनावरण हेतु निर्देशित किए गए। उक्त घटना की को कारित करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के भी निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 5 फरवरी 2024 को थाना विंध्याचल SOG व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा विंध्याचल पर पंजीकृत ते हुए 5 साथी अभियुक्तों को बोलेरो वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों का एक संगठित गैंग है, जो अपने सदस्यों के भौतिक लाभ हेतु धोखाधड़ी फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके लिए कूटरचित पहचान संबंधी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर अजनबी व्यक्तियों को कॉल करके यह बताते हैं कि घर की निवाई की खुदाई में सोने की गिन्नी प्राप्त हुई है। धोखे से नकली सोने की गिन्नियों को असली सोने की गिन्नी बताकर बेच देते हैं तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं। आइए सुनते हैं कि इस घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मिर्जापुर क्या बता रहे हैं। ये दिनांक 2 फरवरी और 3 फरवरी को हमारे विंध्याचल थाने में तहरीर एक अंकित की गई कि जो गिन्नी को लेके फॉर्जरी करके 2 अध्यापक थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई कि उनके साथ फॉर्जरी की है और उनके साथ ही बेमानी की है। 467-68 धाराओं में ये अभियोग पंजीकृत किया गया। हमारे SP सर अभिनंदन सर के डायरेक्शन में कहा कि इसको सही से क्लियरफाई करें, इस तरीके की घटनाओं में अभियुक्तों को पकड़ा जाए। तो इसमें 5 हमने अभियुक्तों को इसमें पकड़ा है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर भी है। ये लोग नकली सिम, मतलब जो नकली ID पे सिम लेके और फर्जी तरीके से लोगों को बातों में जालों में फंसा के अपने पास एक गिन्नी रख के जो सोने की दिखाते हुए और मिट्टी के साथ उसके साथ पूरा माया जाल फंसा के लोगों से फर्जी का कार्य करते थे। तो इसी में गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 70,000 रुपये, एक इनसे बोलेरो गाड़ी, एक मोबाइल एवं और 5 इनके पास है ये सब, और गिन्नियों की जो है 8 गिन्नियाँ इनसे जो नकली हैं जो उसमें इनसे बरामद की गई। तो क्या ये गिन्नी सोने का है या किस चीज़ का? नहीं, ये नकली है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि ये ऐसे सोने की लगती है और इतना अवसर उन्होंने अभी वादी पक्ष को नहीं देते थे ताकि उसको चेक कर ले। सर, कई बार इस तरीके का मामला आ रहा है, करीब पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बराबर सर इस तरीके के लोग आ रहे हैं जी। ये विगत वर्षों में भी ऐसी शिकायत आई थी, इसमें भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और ये शिकायत है। तो इस तरीके से इसमें अग्रिम कार्रवाई की और अभियान के स्वरूप में और इसमें ध्यान देके इसमें बरामद की और पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। 2,16,000 की धोखाधड़ी है, 75,000 ही बरामद है जी। अभी अग्रिम विवेचना इसमें की जाएगी, जो जैसे तत्प्रकाश में आएंगे जो बरामद की होगी।